हम लोग रात काम कर रहे थे, नट वोट नहीं लग पाए, जैक वगैरह दिन में लगते हैं, इस वजह से अभी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ट्रैफिक से बंद करा दिया, वहाँ से आगे से यातायात एक साइड से कोई दिक्कत नहीं अपने लोगों को। बाकी से बस अभी क्रेन बुलाई है, एक घंटे में आने वाली है। थोड़ा कुछ नहीं, विंड प्रेशर की वजह से थोड़ा हमारा गटर हट गया है। हम लोग रात काम कर रहे थे, नट वोट नहीं लग पाए, जैक वगैरह दिन में लगते हैं, इस वजह से अभी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ट्रैफिक से बंद करा दिया, वहाँ से आगे से यातायात एक साइड से कोई दिक्कत नहीं अपने लोगों को। बाकी से बस अभी क्रेन बुलाई है, एक घंटे में आने वाली है, वो सही हो जाएगा, अभी सेफ है हम लोग। जनता के ना 2 घंटे हो गए घटना को, दो घंटे नहीं हुए भाई साहब, मैं 2 घंटे पहले मैं यहाँ से काम बता के, अभी ऊपर स्लैब का काम चल रहा, उसे पूरा बता के तब गया हूँ। क्या कारण रहा कि पिंड हवा ज्यादा चल रही, नीचे हवा अपने लोगों को नहीं दिखाई दे, ऊपर मैंने देखा हवा की वजह से है, हवा की वजह से गिरा है। और अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार? हादसा नहीं, अभी सेफ हमारी, हम ऊपर वाले से दुआ है, अभी ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अभी आप लोग भाई साहब हवा ऊपर खड़े होके देख लें, आप पता चल जाएगा आपको भाई। अभी नहीं बजन बजन नहीं यार, जो चीज बैरिंग का मतलब फ्री बैरिंग है वो, ये सब चीज है। अभी नाम सतार अली, अभी सेफ हमारी, पूरा स्टाफ लगा, मैं प्रेजिडेंट इंचार्ज हूँ। हाँ सतार अली है, सतार। हाँ एलिवेटेड रोड में के निर्माण में किए जा रहे अनियमितता और घटिया सामग्री के निर्माण का आज जीता जागता रूप देखने को मिला कि किस प्रकार से वहाँ पर ऊपर जो पिलर थे उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। निश्चित रूप से जिस प्रकार का निर्माण वहाँ पर किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को जिस प्रकार से खुली छूट दी हुई है, ये उसका दुष्परिणाम है। पूर्व में भी एलिवेटेड रोड के पिलर्स में कई में दरारें पड़ी, कई पिलर टेढ़े हुए, और हाल ही में बिना किसी इंस्पेक्शन के, बिना किसी सर्टिफिकेशन के उसकी एक पूजा शुरू कर दी गई। जबकि एलिवेटेड रोड जो कि 2 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, 2 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ, और मात्र 50% निर्माण पर उसको 93% पेमेंट करके ठेकेदार की को जिस प्रकार से प्रशा दी गई है, निश्चित रूप से इसका खामियाजा अजमेर की जनता को भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार आज जो हादसा हुआ है बीच के अंदर, पूर्व में भी जगह जगह एलिवेटेड रोड से कभी ऊपर से आग गिरने से आग लगी है लोगों के सामान में, वहाँ से निकलने वाले जो रागीर हैं उन पर सामान गिरा, उनसे वो घायल हुए, महिलाएं वहाँ जो खोदे गए खड्डे उनमें घुरी गिर गई। तो बिना सुरक्षात्मक कोई व्यवस्थाओं के एलिवेटेड रोड का काम किया जा रहा था, और आज जिस प्रकार ये पिलर सरके हैं, निश्चित रूप से ये किसी बड़े हादसे की ओर का इशारा करती है कि आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो तो इसकी खामियाजा अजमेर की जनता को भुगतना पड़ेगा। जबकि एक और मेरे द्वारा की गई शिकायत पर केंद्र सरकार जांच करने के आदेश दे चुकी है, थर्ड पार्टी इसके इंस्पेक्शन के आदेश दे चुकी है, लेकिन अधिकारी केवल मात्र ठेकेदार को बचाने के लिए तो वो जांच करवा रहे हैं, और उल्टा उसको पेमेंट करके उसको जैसा चाहे उसको एलिवेटेड रोड बनाने की परमिशन दी है। जो कि मैं मांग करता हूँ कि इस प्रकार का जो हादसा हुआ है, आज जो घटना हुई है, इसकी जाँच कराई जाए, और एलिवेटेड रोड बनाने वाले ठेकेदार और इसमें जो लिप्त अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। ये कौन सी जगह है? लोढ़ा धर्मशाला के सामने, वहाँ पर 2 पिलर जो ऊपर जो आयरन के जो रॉड वो डाली गई है, स्टील रॉड, वो अपनी जगह छोड़ गई, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है, उसके कारण से वहाँ पर वो सड़क वो पिलर धसकने की स्थिति आ गई। नक्शे में भी छेड़छाड़ करिए जो होता है। हाँ निश्चित रूप से इसका जो मूल ड्राइंग थी उसमें बहुत छेड़छाड़ की गई है, उसमें पूरा स्वरूप बदल दिया गया है। एलिवेटेड रोड की उपयोगिता आप नज़र नहीं आती, ऐसी स्थिति हो गई है, उसको जो सोनी जी की नसिया के वहाँ उतारा है उसके कारण सड़क वहाँ बिल्कुल छोटी है, दाएँ जो आसपास के जो रोड 15-15 फीट की छूटनी चाहिए थी वो उससे कम की हो गई है। ड्राइंग में छेड़छाड़ के कारण जो इसमें अंडरपास बनने थे उनको हटा दिया गया है, और इसी प्रकार से आगरा गेट से भुजा जो उतारी चढ़ाई जा रही है वो भी गलत है। तो एलिवेटेड रोड के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ करके भी ठेकेदार और कतरी में कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने का प्रयास किया गया।